और ये सर ये पाइलट फिर एफएटीएफ की तैयारी में लग रहे हैं, पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं, एक बार फिर सोच रहे होंगे चले जाते, फिर भी लिस्ट में चले जाएंगे, नहीं है क्योंकि जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जिस जिसका नाम इन्होंने लिया सईद हो चाहे कोई हो, हिजबुल मुजाहिदीन आप जानते हैं कि कश्मीर में जिहाद को सपोर्ट करने वाले जो कहा जाते हैं, बल्कि ये भी बात अब तो सोशल मीडिया पे ये भी बात की जाती है कि ये जो है ये तो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं, इनको तो इस तरफ से डेजिग्नेट कर दिया गया दहशतगर्द। इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि ने पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है, उसका नाम टी राजा कुमार साहब है, वो भारतीय नजाद है जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट है, टी राजा कुमार साहब के लिए और ये सब कुछ। तो उसमें पता ही चला कि जो है उसके सैयद सलाउद को उसके जनाजे में जो है वो शरीक हुआ, तो उसमें जो बातें की गई उसमें इंडिया के खिलाफ बाकायदा प्लेज किया गया। आप देखिए ये अफगानिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं जाते, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, लेकिन आज मैं क्या कहूँ किस तरह कहूँ कि जो ये जो इन्होंने किया वहां पे बिल्कुल सर हमारी कोई शक्ल रह गई है, कोई बात करने वाली बात रह गई है, वो लोग क्यों सुनेंगे हमें। सैयद कल देखा हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कल किसने बोला था पाकिस्तान खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी, हाफिज सईद तो ऊपर में आया ना, जिनका जनाजा पढ़ना, जिन टेररिस्टों को पता नहीं कौन मारा है, हिजबुल मुजाहिदीन के हमें तो नहीं पता, बहुत टेररिस्ट मारे जा रहे हैं कुछ पाकिस्तान में, कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है, अब पता नहीं कौन मारा रोहित भाई, हमें तो कुछ नहीं पता, पर हाफिज सईद को खुद जनाजे में आना पड़ा, यहाँ है हाफिज सईद, वहाँ है अजय बांगा, यहाँ है लखवी, वहाँ है मोहन साहब, तो ये तो है ना, अगर आपने जिस दिन अपनी किताबों में रेडिकलाइजेशन डाला। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा यूनाइटेड नेशन की तरफ से पाकिस्तान में कितना डेजिग्नेटेड आतंकवादी घूमते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हमने इन आतंकवादी को 31 साल के लिए जेल में डाल दिया, वही काल परसों देखा गया कि मुजाहिदीन जो भी सब आतंकवादी है सब घूम रहे हैं कश्मीर में। इसी को देखते हुए लगता है पाकिस्तान बहुत जल्द एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में फिर से जाने वाला है, क्योंकि इंडिया तो बहुत जल्द प्रेशर डालने वाला है एफएटीएफ में और पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हमारे तो खास किस्म की खामोशी जो रखी जाती है वो है कि हाफिज सईद जिसको कहा गया था कि जेल में है वो भी बाहर दंडनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं कि उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए, क्या लगता है सर? आरजू मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करें, बल्कि मैं ये कल मेरे लिए बहुत बायस तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब का जो मर्डर हुआ है और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मुझे मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह यह है कि उसको एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया, और दूसरा उसके उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे, उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है, और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहाँ तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है इस वक्त वाशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं, और दूसरा इतने ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि ने पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है, उसका नाम टी राजा कुमार साहब है, वो भारतीय नजाद है जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट है, टी राजा कुमार साहब, उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका चार्ज संभाला है उन्होंने। लेकिन सर एक सेकंड आपसे, सर जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना, नहीं, गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूँ इन्होंने ज्यादा की है, गलत किया इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूँ जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपथी तो होगी, देखे ना एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो जो कुछ भी हो जितने भी न्यूट्रल हो फीलिंग्स तो होती है। अब एक तरफ ही अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे पैसे को तरसते फिर रहे हैं, और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल मास्टर कार्ड वाले। तो मेरे ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन ये किसी बेहतर वाली साइड पर जाने नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ आना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी, एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, और हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है, ये गलत बात है।
झूठ बोलते हैं ना, इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सलाहुद्दीन को भी यही कहते हैं, फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, दूसरा फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, उसको फिर उसको उजागर करना, उसकी उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना, ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, मैं 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट है इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त, ये फिर एफएटीएफ की तैयारी में लग रहे हैं, पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं, एक बार फिर सोच रहे होंगे चले जाते हैं, जर्नलिस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने लिया अगले दिन आपके, मेरा ख्याल सेगमेंट में ही मैंने कहा था, दोनों तरफ से मैं कहता रहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश होती है मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे पता है नफरतें दोनों साइडों पे हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा समझता हूँ इस चीज को कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ चीज शुरू की जाए। मैं मुसलसल कहता रहूंगा, अगर भारत बीजिंग जाकर डायलॉग कर रहा है, पाकिस्तान को भी टाइम दे, ये अफगानिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं जाते, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, लेकिन आज मैं क्या कहूँ, किस तरह कहूँ कि जो ये जो इन्होंने किया वहां पे, सर हमारी कोई शक्ल रह गई है, कोई बात करने वाली बात रह गई है, वो लोग क्यों सुनेंगे हमें? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ज्यादती है, ज्यादती, मैं यही तो आज मैं इजहार करना चाह रहा था कि मैं किससे करे बंदा बात, मैं कई दफा कोशिश की समझाने की चीजों को कि यार पॉजिटिविटी वाली साइड पे जाओ, ये खत्म करने की कोशिश करो, तुम्हारे हिस्ट्रीज के अंदर मेरा मकसद है कि नफरतें जो भारत के अंदर देखी जाए, अगर वो मैं कई दफा बैठा कि एक लॉन्ग हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की उस एरिया के अंदर, जो पठानों ने मोलों ने जो कुछ भारत के अंदर किया है, देखें आप जाके, उनको आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं, आधे से ज्यादा तो हमने भी सर, अभी भी सर, हमने अभी वो हाफिज सईद की बात पे और सैयद सलाउद्दीन की बात पे, सर आपका ख्याल है वो बहुत खुश होंगे, जाहिर है बहुत अपसेट होंगे पाकिस्तान के साथ, और ताल्लुकात खराब होंगे, खराब हो चुके, लेकिन करने वाले चाहते क्या है, डायरेक्शन क्या है उनकी, मैं तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है भाई, अब फेटर में फिर फंसोगे तो हाफिज सईद कल देखा, हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी, हाफिज सईद तो ओपन में आया ना, जिनका जिनाजा पढ़ना, जिन टेररिस्टों को पता नहीं कौन मारा है, हिजबुल मुजाहिदीन के हमें तो नहीं पता, बहुत टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है, अब पता नहीं कौन मारा रोहित भाई, हमें तो कुछ नहीं पता, पर हाफिज सईद को खुद जनाजे में आना पड़ा, यहाँ है हाफिज सईद, वहाँ है अजय मांगा, यहाँ है लखवी, वहाँ है मोहन साहब, तो ये तो है ना, अगर आपने जिस दिन अपनी किताबों में रेडिकलाइजेशन डाला, जिस दिन आपने रेडिकलाइज किया, जिस दिन आपने फिजिक्स के सामने नोट लिखा कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा पर ये फिजिक्स है, तो उस दिन तो आपकी खत्म हो गई ना, यू हैव नो मैन पावर, यू ऑल रेडिकलाइज मैन पावर, आपके मैन पावर कहाँ, आपके तो सारे रेडिकलाइज है, जब मैं कहता था, मैंने एक पाकिस्तान के शो में बोला, मैंने बोला सलाउद्दीन आपके यहाँ, कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है सुमित जी, अब मैं उन मैडम से पूछना चाहता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, मैडम आपने देख लिया सलाउद्दीन को, देख लिया आपके रेंजर के कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको, रेंजर के, ये है नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान, हमारे नेशनल एसेट दुनिया में अपना और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आपको रोहित भाई 2-3 चीजें जाते जाते बोल दूं, हमारा डायस्पोरा इज ओनली लेस देन 1%, 6% टैक्स देते हैं हम यूएस में, 6% एवरेज यूएस की हाउस होल्ड की इनकम है $50,000, हमारी है $90,000, एवरेज यूएस में 30% लोग करीब ग्रेजुएट होते हैं, हमारे 64% लोग ग्रेजुएट होते हैं, सर दम रखते हैं, खब रखते हैं और अपने बलबूते पे खड़े, अपनी मेहनत पे खड़े हैं, और जन्मभूमि कोई हो, कर्मभूमि को जन्मभूमि और कर्मभूमि का फर्क जानते हैं, वी आर लॉयल टू अवर सॉल्ट, अभी तो देखिए भारती कहां कहां नहीं पहुंचेगा, आप देखा, आपको इनको एक और पाकिस्तानी आपको शो देखते हैं, बता दूं इनको, निक्की हेली पैनजी हमारी सरदारनी है प्राइम प्रेसिडेंट के रेस के लिए, और कल विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के वो प्रेसिडेंशियल रेस के लिए उठे हैं, भैया अभी तुम देखो भारतीय कहां कहां आएंगे, कितने आएंगे, इतने आएंगे कि तुम रश खा के मर जाओगे।